जब मैं वो हीरा लेने के लिए वहां पर गई तो मेरी सारी खुशियां मातम में बदल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो हो रहा था बंगला मुड़ा गांव में। चित्रा की बात कहते ही आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ देर बाद जब युग को चीजें क्लियर नजर आती हैं, तो युग देखता है कि रात के अंधेरे में चित्रा लूसी के साथ काला झाड़ी जंगल पार कर रही थी। चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ उस यक्षिणी ने भक्षानर के अंश को खत्म कर दिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे युग पर भविष्य में जो खतरा आने वाला था वो हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है। यक्षिणी ने उस भक्षानर को मार दिया, अब मैं यक्षिणी से वो सब कुछ पूछ लूंगी जो मैं उससे पूछना चाहती थी। मैं पूछूंगी उससे कि आखिर उसने अनुराग के साथ क्यों और क्या बिसाह किया था। मैं पूछूंगी उससे कि आखिर उसने रज्जन को क्यों श्राप दिया था। आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी जिसकी उसने इतनी बड़ी सजा दे दी थी। चित्रा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि जैसे उसके पास से कोई गुजरा हो। एक तेज हवा का झोंका चित्रा के पास से गुजरता है। उस एहसास मात्र से ही चित्रा एकदम शांत पड़ गई थी। चित्रा अपने आसपास देखती है पर सिवाय काला झाड़ी जंगल में फैले घने लंबे पेड़ों और अंधेरे के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता है। चित्रा कुछ घबराते हुए खुद से कहती है, ये कैसा एहसास था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे पास से अभी अभी कोई गुजरा है और वो गुजरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वो काला। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है। वो अपनी जुबान पर काले साए का नाम तक नहीं लेना चाहती थी। उसके अंत के साथ ही उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलना चाहती थी। चित्रा खुद से बात करते हुए कहती है, ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। यक्षिणी उस काले साए को मार चुकी है और यही सच है। चित्रा इसे कबूल कर और आगे बढ़। तुझे यक्षिणी से मिलना है कि नहीं मिलना है? वो ग्रेवयार्ड कोठी में ही होगी। खुद से यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा फिर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे चित्रा ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ते जा रही थी उसके दिल की धड़कन भी बढ़ते जा रही थी। चित्रा अपने कदम बढ़ाई रही थी कि तभी उसे आसमान में कुछ दिखाई देता है, कुछ ऐसा जिसे देखकर उसके कदम फिर एक बार अपने आप थम जाते हैं। वो अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाती है। चित्रा आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो बॉटफ्लाई है, इतने सारे बॉटफ्लाई वो भी एक साथ। आसमान में ढेर सारे बॉटफ्लाई उड़ रहे थे। आसमान में देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान बॉटफ्लाई से ढका हुआ हो, काले आसमान ने बॉटफ्लाइज की चादर ओढ़कर रखी हुई हो। वो सभी बॉटफ्लाई आसमान में एक जगह पर ही रुके हुए थे जैसे किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हो। उन बॉटफ्लाई को देखते हुए ही चित्रा को कुछ याद आने लग जाता है और वो हैरानी के साथ खुद से बोल पड़ती है, ये बॉटफ्लाई तो मैंने तब देखे थे जब अमावस्या और पूर्णिमा की रात अनुराग काला साया बनकर घाट पर शिकार किया करता था, पर अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर उस काले साए का अंत हो गया है तो फिर इन बॉटफ्लाई का अंत भी हो जाना चाहिए था। ये बॉटफ्लाई आखिर उसकी काली शक्तियों से ही तो बने हुए हैं। जिस तरह यक्षिणी को जुगनुओं से शक्ति मिलती है उसी तरह उस काले साए को भी तो इन्हीं बॉटफ्लाई से शक्ति मिलती है। यही तो लिखा हुआ था अनुराग की उस कहानी में जो मैंने पढ़ी थी। यही सब सोचते हुए चित्रा एकटक नजर से उन बॉटफ्लाई को देख ही रही थी कि तभी उन बॉटफ्लाई में हलचल होने लग जाती है और वो सभी तेजी के साथ उड़ते हुए एक ही दिशा की तरफ जाने लग जाते हैं। चित्रा उन बॉटफ्लाई में कुछ नोटिस करते हुए कहती है, ये बॉटफ्लाई तो ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जा रहे हैं, ये उस तरफ क्यों जा रहे हैं, वो भी एक साथ इतनी बड़ी तादाद में? चित्रा हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है और उसी के साथ लूसी भी अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। चित्रा ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंची थी कि तभी उससे ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ढेर सारा धुआं उठते हुए नजर आता है। चित्रा उस धुएं को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये इतना सारा धुआं यहाँ पर कैसे? ऐसा ही काला धुआं तो घाट पर नजर आता था जब वो काला साया शिकार करके गायब हो जाया करता था। इसका मतलब ये हुआ कि चित्रा ने इतना कहा ही था कि ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास जितना भी काला धुआं फैला हुआ था वो धीरे धीरे छटने लग जाता है और उसी काले धुएं में आसमान से आते हुए ढेरों बॉटफ्लाई मिलने लग जाते हैं। देखते ही देखते ग्रेवयार्ड कोठी के सामने एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है। वो काला साया जिसका शरीर धुएं और बॉटफ्लाई से बना हुआ था, जिसकी बड़ी बड़ी दो आंखें पीले रंग में चमक रही थी। जैसे ही चित्रा उस काले साए को वहां पर देखती है वो झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। लूसी भी चित्रा के साथ झाड़ियों में ही छुप जाती है ताकि उस पर काले साए की नजर ना पड़े। चित्रा उस काले साए को देखते हुए मन ही मन डरते हुए खुद से कहती है, ये काला साया तो अभी तक जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? अगर ये जिंदा है तो फिर यक्षिणी ने जिसे मारा था फिर वो कौन था? वो काला साया वहां पर अकेला खड़ा नहीं था, उसी के सामने जमीन पर अनुराग का शव पड़ा हुआ था।
अनुराग का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ गया था, जैसे उसके अंदर खून की एक बूंद तक ना हो। अनुराग के शरीर में हर जगह कई टांके लगे हुए थे, जैसे अनुराग के शरीर को काटकर पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हो और फिर बाद में उसके शरीर को जोड़ दिया गया हो। टांके लगने के निशान अभी तक उसके शरीर पर मौजूद थे। उसका पूरा शव नग्न अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ था। अनुराग का शरीर जमीन पर जिस जगह पर रखा हुआ था वहीं पर एक निशान बना हुआ था और वो निशान था ट्रायंगल के अंदर आंख का, वही पांचवा निशान जो भक्षानर होने की निशानी है। वो काला साया अनुराग के शव को देखते हुए खुद से कहता है, मैं तेरे शरीर से निकलना नहीं चाहता था अनुराग, पर क्या करूं, उस यक्षिणी के कारण मुझे तेरे शरीर में से निकलना पड़ा। उसने मुझ पर हमला जो कर दिया था। दूर झाड़ियों में छुपे होने के बावजूद भी चित्रा को उस काले साये की सारी बातें सुनाई दे रही थी। चित्रा को वो आवाजें सुनाई देती भी कैसे नहीं, आखिर उसके पास डायन की तरह तेज सुनने की शक्ति जो थी। वो काला साया गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, ये सब उस यक्षिणी का किया धरा है, उसी के कारण ये सब हुआ है। वो चालाक यक्षिणी मेरा अंत करना चाहती थी, पर उसे पता नहीं मैं भक्षानर का वो अंश हूँ जिसका अंत ही अनंत है। मेरा अंत मुझे अनंत की तरफ भेजता है, वो मेरा अंत नहीं कर सकती। काला साया चालाकी भरे लहजे में कहता है, मैंने उस यक्षिणी को वहीं पर भेज दिया जहां पर वो पहले थी, अब वो वहां से कभी नहीं आएगी, धीरे धीरे मरती सड़ती रहेगी वहां पर। चित्रा घबराते हुए खुद से कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस काले साये का अंत नहीं हुआ है। यक्षिणी ने काले साये को नहीं मारा है, पर फिर वो चीख किसकी थी जो ग्रेवयार्ड कोठी से निकली थी, जिसे लूसी ने सुना था। आखिर उस अमावस्या की रात यक्षिणी और काले साये के बीच क्या हुआ था और अब यक्षिणी कहां पर है? चित्रा के मन में ये सारे सवाल चल ही रहे थे कि तभी वो काला साया अनुराग के शरीर को एकटक देखते हुए फिर बोल पड़ता है, अनुराग मन तो कर रहा है कि मैं अभी के अभी तेरे शरीर में वापस प्रवेश कर लूं, पर ये इस वक्त मुमकिन नहीं है। तेरे शरीर में इतने सारे टांके जो लग चुके हैं, पहले मुझे इनके भरने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं तेरे शरीर में दोबारा प्रवेश कर पाऊंगा। एक तेरा ही तो शरीर है जिसके अंदर मैं प्रवेश कर सकता हूँ, जो मेरी काली शक्तियों का भार सह सकता है। वरना अगर एक आम इंसान के शरीर में प्रवेश करूंगा तो उसका शरीर उसी वक्त दम तोड़ देगा। चित्रा बड़े गौर से काले साये की सारी बातें सुनते रहती है। वो काला साया फिर बोल पड़ता है, एक एक करके मेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो बस वो यक्षिणी मेरी दुश्मन थी, फिर तेरी वो पत्नी चित्रा भी मेरी दुश्मन बन गई। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है वो डायन, एक बार वो मेरे हाथ आ जाए उसे छोड़ूंगा नहीं। ये दो दुश्मन क्या कम थे जो अब एक तीसरा दुश्मन भी बन गया है। जानता है वो तीसरा दुश्मन कौन है? काला साया अनुराग के चेहरे के पास जाते हुए कहता है, वो तीसरा दुश्मन कोई और नहीं, तेरा मुंह बोला भाई दिलीप है। जैसे ही चित्रा काले साये के मुंह से दिलीप का नाम सुनती है वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिलीप को भी काले साये के बारे में पता चल गया था और वो उसका दुश्मन बन गया था। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, उस दिलीप को तो जरा सी भी मेरे वजूद की भनक नहीं है, वो तो जाने अनजाने में मेरा दुश्मन बन गया है। उस पागल को लगता है कि यक्षिणी इस ग्रेवयार्ड कोठी में रहती है और उसी ने अमावस्या की रात तेरा खून किया है, तुझे अपना शिकार बनाया है। वो यक्षिणी अब किसी और मर्द को अपना शिकार ना बनाए, इसी वजह से वो दिलीप तीन धर्म गुरुओं को लेकर आ रहा है, वो भी अलग अलग धर्म के, ताकि यक्षिणी को हमेशा हमेशा के लिए ग्रेवयार्ड कोठी में कैद कर सके। पर उसे क्या पता, यक्षिणी तो पहले से ही ग्रेवयार्ड कोठी में। इतना कहकर काला साया डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, उस दिलीप ने उन तीनों धर्म गुरुओं को बुला लिया है और इस वक्त वो तीनों हवेली में बैठकर तैयारी कर रहे हैं यक्षिणी को कैद करने की। कल रात वो तीनों यहाँ पर आने वाले हैं यक्षिणी को कैद करने के लिए, इसलिए मैं भी तैयारी में लगा हूँ, उन तीनों की मौत की तैयारी में। वो तीनों धर्मगुरु यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी में आएंगे तो जिंदा ही, पर यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। यक्षिणी को कैद करने आए हैं ना, पर खुद कैद होकर रह जाएंगे। काला साया अनुराग के शरीर के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, अनुराग तू तो अब मुझसे बातें ही नहीं करता, पहले कितनी बातें करता था, पर मुझे पता है अगर तू इस वक्त जिंदा होता, तेरे अंदर सांसें होती, तो तू मुझसे यही पूछता ना कि मुझे डर नहीं लग रहा उन तीन धर्म गुरुओं से। काला साया अनुराग के एकदम पास जाते हुए धीरे धीरे कहता है,
सच कहूं तो डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तभी तो यहां पर कल रात होने वाले खेल की तैयारी कर रहा हूं। पर डर भी तेरी वजह से लग रहा है, तेरे इस कटे हुए शरीर की वजह से। अगर तेरा ये शरीर कटा हुआ नहीं होता तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं होती। इस वक्त मेरी एक कमजोरी है, वो है तेरा ये शरीर। चाहे कुछ भी हो, तेरा ये शरीर उन तीन धर्मगुरुओं के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना वो मेरा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर मुझे मेरे मकसद को पाने से जरूर रोक देंगे। और फिर मुझे सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, जो मैं अब नहीं करना चाहता। इसलिए मुझे तेरे शरीर को सुरक्षित रखना है। मैं नहीं चाहता कि तेरा ये शरीर किसी के भी हाथ लगे। आखिर ब्रह्मांड पर राज करने के लिए मुझे एक शरीर की जरूरत तो पड़ेगी ना, मुझे किसी के शरीर में तो पनाह लेनी ही पड़ेगी ना। और मैंने अभी तुझे बताया कि क्यों मैं तेरे सिवा किसी और इंसान के शरीर में पनाह नहीं ले सकता। हाँ, तेरे बेटे युग के शरीर में जरूर पनाह ले सकता हूँ, पर अभी नहीं, अभी वो छोटा है। मुझे किसी के शरीर में पनाह लेने के लिए उसका वयस्क होना बहुत जरूरी है, और अभी तो तेरा बेटा बच्चा ही है। काले साए के मुंह से ये बात सुनकर चित्रा और ज्यादा घबरा जाती है, उसे युग की फिक्र होने लग जाती है। काला साया अनुराग को देखते हुए फिर से बोल पड़ता है, आज के लिए बातें बहुत हुई और अब चाले होंगी अनुराग। अब बाकी बातें तब होगी जब मैं दोबारा तेरे शरीर के अंदर प्रवेश करूंगा। मैं तेरे शरीर को वहीं पर ले जाऊंगा जहां पर तेरा जन्म हुआ था, जहां पर जाकर मेरे अंश ने तेरे शरीर के अंदर पनाह ली थी। इतना कहकर वो काला साया अपने दोनों हाथ सामने करता है और उसके हाथ में से कई सारे बॉटफ्लाई निकलने लग जाते हैं। वो बॉटफ्लाई एक के ऊपर एक जमा होते हैं और एक ताबूत का आकार लेने लग जाते हैं। उसी वक्त काला साया कोई सा मंत्र बड़बड़ाता है और बॉटफ्लाई से बना हुआ ताबूत एक असली लकड़ी के ताबूत के रूप में बदल जाता है। उस ताबूत को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो ताबूत बॉटफ्लाई से बना हुआ था, वो एकदम असली लग रहा था। काला साया अपनी जादुई शक्ति से अनुराग के नग्न शरीर को हवा में उठाता है और उस ताबूत के अंदर रख देता है। काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ए आसुरी रक्त वास से अघोर कर्म करके दृश्य कुरुकुरु प्रदानम स्वाहा। अगले ही पल काले साए के हाथ में दो कांच की छोटी छोटी बर्नी आ जाती है। उन बर्नी के आसपास धुआं था जिस कारण समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या था, पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कुछ न कुछ तो जरूर रखा हुआ था। काला साया अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उन दोनों बर्नी को ताबूत के सामने करते हुए कहता है, जानता है अनुराग इन बर्नियों के अंदर क्या है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।